दो मिनट के बाद तुम रोएगा या दुखी होएगा या कोई बात सुनाएगा मर्द बेटे की, तो तुम भगवान कैसे हो? भगवान को फिर मर्द होता है, बेटा होता है, धन होता है, संसार होता है, कर्ज होता है, धर्म होता है, ड्यूटी होती है, क्या होता है भगवान? भगवान माना तो जैसे अभी बोला भाई, भगवान माना प्योर पाक। भगवान के अंदर कोई संकल्प विकल्प राग द्वेष दुश्मनी दोस्ती तू मैं मेरा तेरा नहीं होता। तो भगवान समझना अपने को ऐसा निश्चय करने का है, बोलने का जरूर नहीं है। निश्चय करो अंदर तो मैं कितना प्योर हूं, कितना पाक हूं, कैसे मैं सन्नाफदार हूं, भगवान का बेटा हूं बराबर। भगवान का बेटा भगवान ही होता है, मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है। जो अपने को मनुष्य का बेटा समझेगा तो जैसा तुम्हारा फादर मदर सेक्स है सेक्सी है, फादर मदर को भी अज्ञान है तैसा तुमको भी अज्ञान है। तुम्हारे माँ बाप मरेगा तो तुम भी मरेगा, वो मरने वाला है अज्ञानी है तो तुम भी अज्ञानी है। जब तुम भगवान का बेटा है तो जैसा भगवान तैसा तुम। भगवान का बेटा कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा ना, तो तुम भगवान जैसा है, प्योर है, पाक है, परफेक्ट है। भगवान माना जो सब में भगवान देखे। भगवान नहीं कहा मैं भगवान हूं, सामने वाला कौन है, ये कौन है, वो कौन है, कहां कौन है, एक ही भगवान जानता, देखने वाला ही भगवान होता है। खाली ऐसा नहीं मैं भगवान हूं ऐसा बोला तो हो नहीं गया, है हर एक, लेकिन उसमें कितना कितना टिका हुआ है, कितना निश्चय बुद्धि है। एक है निश्चय बुद्धि वाला, एक है संशय बुद्धि वाला। तुमको कितना निश्चय है कि मैं आत्मा हूं, घड़ी घड़ी संशय में आ जाता है। इधर बोलेगा मैं आत्मा हूं, सेकंड के बाद बोलेगा मेरा मर्द ना ऐसा करता है, मेरा बेटा ना आज ऐसा करता है, फलाना मर गया, फलाना भाग गया, फलाने को ऐसा हुआ, मेरे को तकलीफ है, मेरे को बीमारी है, मेरे को दुख है, मैं मर जाऊंगा। ये बोलने वाला कैसे भगवान है? ये तो फिर जीव भाव में आ गया, भूल गया। तो भगवान माना जो अब भूले, कभी नहीं भूले, एक घड़ी भी नहीं भूले, अपने निश्चय से एक घड़ी भी नीचे नहीं उतरे। निश्चय आत्मक बुद्धि ऐसे निश्चय में पक्का रहे कि कहां से भी तुम्हारे से कोई सवाल पूछे तुम आत्मा का जवाब दे। कभी भी अचानक भी कोई बोले अरे तुम्हारे बेटे को ऐसा हो गया, बोले मेरे को बेटा है भगवान का है, खुद भगवान है अंदर में तुम्हारे आवे कि मेरा बेटा कोई नहीं है, नहीं मेरे को बेटा है, नहीं मेरे की स्त्री है, नहीं मेरा कोई पति है, नहीं मेरा धन है, नहीं मेरा शरीर है, नहीं मेरा कोई मालिक है, नहीं मैं किसका गुलाम हूँ। ये शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरा और कौन है? अंदर में ऐसा पक्का है कि मेरा कोई नहीं है, मैं हूं, मैं मन आत्मा जानता है पर मेरा कोई नहीं, तभी तुम भगवान है। जिस भगवान को मेरा और तेरा है वो भगवान नहीं होता है। भगवान कृष्ण को इधर बुलाओ, उसे पूछो तुम्हारा कौन है दुनिया में, मेरा कौन है, तेरा कौन है, क्या बोलेगा? बोलेगा सब मैं हूं, अर्जुन भी मैं, कृष्ण भी मैं, गोपी भी मैं, ग्वाल भी मैं, जड़ भी मैं, चेतन भी मैं, भूता भी मैं, हाथी भी मैं, ब्राह्मण भी मैं, पापी भी मैं, चंडाल भी मैं, चोर भी मैं, कहा मैं नहीं हूं। तो बोलेगा सब मैं हूं कि ये मेरा है, मेरा मन तुम्हारे से दूसरा अलग दो हो गया, मेरा मन दो, मैं भी हूं और मेरा भी है, तो दो नहीं है, एक ही भगवान है, जो मैं हूं सो तुम, एक ही निराकार परमात्मा सब में समाया हुआ है, और वो इधर भी है इधर भी है जानता है, लेकिन ये देह कुछ नहीं है। आई एम गॉड जब तुम बोलते हैं माना देह को बोलता है मैं भगवान हूं, देह पहले भुला, जिसने देह भुला दिया तो बाकी भगवान बच गया। जो जो अपनी देह का अहंकार छोड़ता है उधर भगवान बच गया, जो अहंकार नहीं छोड़ता है देह का, देह होके सुख भोगता है, देह होके दुख भोगता है, देह होके बात करता है मैं फलानी भाई हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, ये मैं फलाना हूँ, ये बेटा है, ये बेटी है, देह होके बात करता है, वो भगवान कैसे? खाली उसने बोलता भगवान हो गया, खाली बोला जबान से कि मैं आत्मा, लेकिन आत्माकार का लक्षण है, आत्माकार का ये निश्चय है, बराबर तू आत्मा है, तो आत्मा में तो ये बात ही नहीं लगती है जगत की, कोई दुख को सुख को लाभ हानि मान अपमान जगत की कोई बात आत्मा से नहीं लगती, शरीर की कोई बात आत्मा से नहीं लगती है,
तो तुम शरीर की बात, जगत की बात, तेरे मेरे की बात कैसे करते है? आत्मा मना मौन, आत्मा मना शांत, आत्मा मना संकल्प विकल्प से खाली, आत्मा मना प्योर, पाक, पौत्र, निराकार शक्ति। तो जो आत्मा में रहेगा वो ऐसे अपने को फील करेगा, थॉटलेस, ईगोलेस, डिजायरलेस, सेक्सलेस, बर्थलेस, डेथलेस अपने को समझेगा। ऐसा नहीं बोलेगा मैं जन्मा हूं मेरे को मरना भी है। आत्मा का ऐसा नहीं बोलेगा, मैंने जन्म लिया है, ये मेरा माँ बाप है, मेरे को एक दिन मरना है। माँ बाप कहां से है? मैं स्वयं भव हूं, मैं अपने आप से हुआ हूं, मेरे को किसने जन्म में नहीं लाया है, नहीं मैं पैदा हुआ हूं, नहीं मैंने किसको पैदा किया है। मैं आत्मा निराकार शक्ति हूं, मैं एक से अनेक होके प्रगट हुआ हूं, निराकार से साकार होके प्रगट हुआ हूं। मैंने संकल्प किया था कि मैं एक से अनेक हो गए हूं, एक से अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक हो गया। वन गॉड बिकेम मेनी, ये मेनी हो गया, मेनी में मैं ही हूं, एक ही गॉड है, एक ही आत्मा है, जो सर्वत्र आत्मा देखेगा वही आत्मा कार है। जो दूसरे में आत्मा नहीं देखेगा, खाली अपने को बोलेगा मैं आत्मा हूं पर ये मेरा फलाना है, तो ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा का डेफिनेशन समझो, आत्मा माना मैं ही तो हूं, जहां का एक ही आत्मा सर्वत्र है, एक ही परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ सर्वत्र सब मैं ही हूं, तभी तू आत्मा। हाँ, को लगा के बैठा कि मैं शरीर हूं, मैं तो बंधन में हूं, मेरे ऊपर बोझ है, मैं ऐसा करता हूं, मेरे को ऐसा करने का है, ये जो तुमने हथकड़ी अपने को आप ही बांध दिया है, बंधन में रखा है अपने, तो गुरु आके तुमको पहले ही दिन छुड़ाते, बोले तू आत्मा है, तू बंधन में नहीं है, तू मुक्त है। तो तुमको कितना टाइम लगता है मुक्त होने में, कितना टाइम तुमको लगेगा गुरु को यानी विश्वास रखने में, गुरु के कहने में, भाई हाँ गुरु बोलता है तू आत्मा है, फ्री आत्मा, बराबर फ्री हूँ, मुक्त हूँ, कोई बंधन नहीं है मेरे को। किसको बंधन है? शरीर को बंधन है, तू शरीर है क्या? शरीर को कोई बंधन में भी रखे तो भी तुम्हारी आत्मा कहाँ है? तुम उधर आत्मा है, तो भी तुम अपने को मुक्ति समझेगा। कोई अस्पताल में पड़ा है, बंधन में पड़ा है, बेड पर पड़ा है, आ नहीं सकता है, लेकिन वो आत्मा में है तो मुक्त है कि नहीं? ऐसी तरह से तुम देह के बंधन में है या शरीर के बंधन में है, या शरीर तुम्हारा काम घर में बैठा है समझो, कोई छुट्टी नहीं देता है, तुम्हारा मन की तरह आत्मा में है ना, तो तुम मुक्त है ना। अगर तुम इधर बैठा है मन है घर में, तो तुम मुक्त हुआ? तो यहाँ आके भी अगर मन में संसार भरा पड़ा है तो तुम कैसे मुक्त है? लेकिन संसार में बैठ के भी तुम आत्मा में है, तो तुम जल में जैसे कमल का फूल होता है ना, ऐसी तरह से तुम निराला है। उधर तुमको कर्म बांधेगा नहीं, मोह नहीं है, इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, कर्म में आसक्ति नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है। उधर जहां बैठा है भगवान ही भगवान करके देखता है, तो तुम उधर मुक्त है। मुक्ति क्या है, बंधन क्या है? तो भी वो नाचने लगा, हाथ कड़ी पड़ी भी थी तो भी नाचने लगा, क्योंकि जज ने बोला है यू आर फ्री, क्योंकि भगवान ने बोला है कि तू मुक्त है, इसके लिए हम नाचना शुरू करता है। चाहे बंधन धीरे धीरे कटे, हथकड़ी चाहे दूसरे दिन तीसरे दिन भी उसकी उतरी, तो भी उसने खाली सुना कि जज बोलता है यू आर फ्री, यू आर नॉट गिल्टी, तो उसी दिन से उसने अंदर में निश्चय किया ना मैं फ्री हूं। तो तुमने कल ऐसा निश्चय किया कि मैं आत्मा हूं, तो बाहर का बंधन आप ही टूट जाएगा टाइम पर। प्राण वो जैसे जैसे खत्म होएगी, कर्म कटेगा, तैसे तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा खाता। पीछे तुम 24 घंटा फ्री हो सकता है, उसमें सारी लगन चाहिए, इतना पुरुषार्थ चाहिए अंदर में, इतना परमात्मा की तरफ ऐसा लगन होना चाहिए कि भगवान भी तुम्हारा रास्ता आके फ्री करे, खुला रास्ता कर दे। जैसे माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो जब 8 महीने का 9 महीने का होता है ना, तो घर वाले बोलते हैं इसी से कम भाई मेहनत नहीं दियो, इसी से जास्ती काम नहीं दियो, भाई ये बहुत भारी हो गई है। फिर जब डिलीवरी होती है तो तुमको एकदम सुला के और रेस्ट देता है, नहीं तुम अभी खाली बच्चे की संभाल कर लो। ऐसी तरह से तुमको भी जब ये ज्ञान होगा ना, तुम भारी हो जाएगा, जब तुम्हारे से कुछ होगा ही नहीं, तो भगवान भी देखेगा भी ये भारी हो गया, इतना ज्ञान में भारी हो गया है, 24 घंटा इसको ज्ञान ही चाहिए, इतनी लगन है, जो संसार से बिल्कुल खटाई आ गई है, एक भी इच्छा इसमें नहीं रही है, एक से भी ममता नहीं रही है,
कहा भी इसकी वासना नहीं रही है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रास्ता खोल देगा और पीछे ऐसी रेस्ट देगा तो खाली ज्ञान का बेटा जो तुमने पैदा किया ना उसको खाली संभालो। जो इस घंटा बैठ के ज्ञान ही ज्ञान दियो सबको, क्यों भगवान को भी तो ऐसा रेडीमेड हाउस चाहिए ना, ऐसा तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना जिससे वो काम ले रहे। तो रेडीमेड हाउस मतलब प्योर हार्ट, प्योर जो दिल वाला हो गए जिसके अंदर खाली भगवान रहे संसार नहीं रहे, ऐसा भी प्योर जो दिल वाला ऐसा भगवान को चाहिए, रेडीमेड हाउस चाहिए जिसमें आके घड़ो घड़ करके बैठे और उसके घर में बैठ के और कार्य करे। ऐसा फ्री चाहिए, ऐसा प्योर चाहिए। तो तुम जब ऐसा फ्री होगा, प्योर होएगा, पाक होएगा, तो तुम्हारे दिल में आके भगवान बैठेगा, भगवान तुम्हारे शरीर से कार्य लेगा अपना, सारा बंधन संसार का तुम्हारा छूट जाएगा और तुम्हारे से 24 घंटा ऐसा संग होगा। ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारा अगर ऐसा संकल्प होगा ना तो ऐसा भी होगा, लेकिन तकड़ की बात नहीं है, धीरज की बात है, चलते चलो आगे बड़ा कदम। कल से तुम आज आगे है तो आज से तुम कल आगे होएगा भाई, ये धीरज करेगा तो आप ही तुम आगे बढ़ते जाएगा। खाली निश्चय तुम पक्का रखो आत्मा का, बाकी बाहर का बंधन हथकड़ियां आप ही टूट जाए। पहले मन का बंधन छूट जाए, मन का बंधन है इच्छा वासना मोह ममता राग द्वेष अहंकार, ये जो तुम अपने को समझ के बैठे है मैं हूँ, यही है बंधन मन का। जिस टाइम तुमने बोला मैं ना, मैं हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मन का बंधन छूट गया। तो मन की रुकावट नहीं होनी चाहिए, जहां भी तुम बैठे है तो मन से देखो क्या क्या देखता है, मन किधर किधर जाता है। जिसका मन कहां भी नहीं जाता है वो स्थिर बुद्धि वाला, जहां भी बैठा है तो समाधि में ही है। उसको ये मथुरा वृंदावन और हरिद्वार में जाने के लिए, समाधि लगाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़े। जो जहां बैठा है अपने को आत्मा निश्चय करे और जहां का आत्मा देखे, कोई भी उसको कर्म का बंधन नहीं होवे, कर्म में आसक्ति नहीं होवे, इच्छा नहीं होवे, अहंकार भी नहीं होवे, मैंने किया, मैं करता हूं, मैंने किया, मेरे को करना है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं,